बदनाम कहते हैं अपनी ब्रीड को, ये जो आप रखते हैं आप, जो रोटवाइलर हमने रख रखी है, ये ब्रीड बदनाम करी हुई है। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज योर होस्ट रचित पंगाल। आज आप लोगों की जो बहुत ज़्यादा दिनों से कह रहे थे कि डॉग्स दिखाओ, तो मेरे यहाँ पे हिसार में बहुत जानी मानी हस्ती है जिन्होंने कैनल में काम कर रखा है, कैनल उनके पास डॉग्स है बहुत अच्छे अच्छे और अच्छा एक्सपीरियंस है, वो मनोज यादव जी हैं। नमस्कार सर। नमस्कार भाई। हमारे दर्शकों से एक बार राम राम कर दो। राम राम भाइयों। अच्छा, इन्होंने इनके कैनल का नाम है शूरवीर कैनल और आज कुछ अच्छे सवाल करे जाएंगे। कई सारे लोग इंटरव्यू करते हैं पर हम थोड़ा जमीनी हकीकत वाली बातें करेंगे, हवा में बातें नहीं करेंगे कुछ भी। डॉग्स भी दिखाएंगे, बहुत अच्छे अच्छे डॉग्स है भैया के पास। ए आपने कौन कौन सी ब्रीड में अभी अपने पे? भाई मैंने जो रखा हुआ है एक रोटवीलर और लैब्राडोर, दो ही ब्रीड करता हूँ। दो ब्रीड है इनके पास, दो ब्रीड में ही स्पेशलिटी है। यूं नहीं कि पपी मिल वाला सीन है, कई सारी कुत्ते रख लिए यार, यूँ कह भाई कौन सा चाहिए भाई, सिटजू चाहिए वो भी मिल जाएगा, बीगल चाहिए भाई वो भी मिल जाएगा, ऐसा कोई सीन नहीं है अपना। अपने पास दो ब्रीड है, दोनों ब्रीड में अपनी स्पेशलिटी अभी आ गई। ठीक है भैया, सही बात कही, कुछ गलत तो नहीं गया? ट्रेडिंग वाला काम है, कोई ट्रेडिंग वाला काम नहीं, शौकिया तौर पर काम है यार, बढ़िया क्रीम रखते हैं भैया। तो भैया से दो तीन क्वेश्चन पूछते हैं। आपने भैया शुरुआत कैसे करी, क्या आपका मतलब क्या आइडिया था, शौक था, क्या था, एक बार अपनी स्टार्टिंग बता दो। भाई शुरुआत तो ये हुई थी, क्या जैसे मेरा एक दोस्त किया करता था, जैसे उसके साथ बैठ गया, उसकी उसको देखा करता, इंटरेस्ट बना वो इतना कम हो गया, मैं ज़्यादा हो गया। अच्छा, वो अच्छा। काम कर दिया कर, उसके बाद मैं ज़्यादा इन्वॉल्व हो गया, वो जना कहते वो जरा जॉब लग गया। अच्छा अच्छा, तो मतलब ये मेरी स्टार्टिंग रही थी। ठीक है, आपकी स्टार्टिंग ये हुई है। तो अब आप आगे बातें करते हैं। एक नॉर्मल बात कि अगर आप कोई बंदा, नया बंदा अपना कोई सोचता है कि मैं भी अपना फार्म सेटअप करूं, तो उसको आप कुछ ऐसी टिप्स दोगे कि भाई तू ये टिप्स जरूर रखियो कि कहीं नुकसान ना कर ले, कि क्योंकि आपने शुरुआत करी तो उस टाइम इतने ज़्यादा लोग नहीं होंगे इस बिजनेस में, या उस टाइम भी थे ज़्यादा? उस टाइम भी थे। अच्छा, देखो ये हर टाइम रहा है, कभी इतना कम हो जाते हैं, कभी ज़्यादा हो जाएंगे, लेकिन चलेगा ये। अच्छा अच्छा। फिर दूसरा कहता है जो नया आदमी करता है हमेशा ही, वो देखता है कहता है सिर्फ कहता है जानकार से लेगा, नॉर्मल बच्चा क्वालिटी अच्छी ले लो, एक से शुरुआत कर दो, अच्छी चीज़ से शुरू करो, अच्छी ब्रीड करोगे। सबसे मेन बात जेनेटिक जो दिक्कतें आती हैं ब्रीडिंग में, ये दिक्कत आती है। फिर दूसरा नया आदमी जो करता है, एक तो ब्रीडिंग की नॉलेज नहीं, दूसरा फिर क्या होता है जैसे कोई डॉग बीमार हो गया या कोई बीमारी आ गई, उसकी नॉलेज नहीं होती उसको। अच्छा अच्छा। वो हमेशा ही या तो जोड़ा साहब के जाके फंसता है, वो उसके उससे बिल बनाता है और वो डॉग बिल में दिक्कत आती है। अच्छा, अपने आपा को कुछ दिक्कतें आई थी शुरू में? मेरे को बहुत आई भाई। एक दो दिक्कतें बताओ। मेन तो दिक्कत आई जो मेरे पास जो सिस्टम आया, नॉलेज कम। अच्छा। उस टाइम नॉलेज इतनी थी, डॉक्टर से जाता, कोई डॉग बीमार होता वो मेरा बिल बना देता। शुरुआत में ये लगा लीजिए मेरे 6 महीने के अंदर 2.5 लाख रुपए बिल बनाया डॉक्टर ने। अच्छा अच्छा। और जिसमें से ये लगा लो, आज वो पता चलता है कि जो बीमारियां थी जस्ट 30 रुपए के दवाई में ठीक हो जाती है, वो इतना फ़र्क है। आज ये लगा लो 90% में अपना खुद ट्रीटमेंट नॉर्मल चलता है। और भी आप बताओ कि आपके कौन से फेमस डॉग्स रहे हैं, आपने जो बनाए हैं तैयार करे आपने? भैया जो स्टार्टिंग से मैं बताता हूँ, मेरे पास शुरुआत में जो होया करते बुल मैस्टिफ होया करता। अच्छा। उस टाइम गेम गार्ड सोनिक बूम था, इंडिया का काफ़ी फेमस डॉग था, मतलब इतनी विनिंग और इतना सुंदर बुल मैस्टिफ में नहीं आया। ठीक। उसके बाद कौन से टाइम, कौन सी ईयर की बात है? ये है मेरे पास 2008 के। ठीक है। फिर उसके बाद जैसे रोटवीलर भी रहे हैं मेरे पास, लगभग मैंने लगभग रखे हैं जितने भी, एक टाइम तो 6-6 इम्पोर्ट डॉग भी रखे हैं। अच्छा। और थोड़ा सा मैंने बीच में ना बीगल भी किया था, बीगल एज ए ये लगा लीजिए कैनल का खर्चा निकालने, उसको कभी शो नहीं किया, वो सिर्फ ब्रीडिंग किया, पपीज सॉर्ट आउट बस। ठीक है। एक ये और भी है कि कई लोग ऐसे होते हैं कि क्या भाई इम्पोर्ट का बच्चा है। हाँ जी। तो इम्पोर्ट के बच्चे का रेट क्या होना चाहिए, एक बार आप बताओगे मेरे को, कि एक आपको आइडिया होगा कि इम्पोर्ट कोई मैटर नहीं होता,
क्या पता इंपोर्ट का बच्चा 5,000 में भी बिक जाएगा। और बहुत कई ऐसे भी हैं जिनका दाना 50 से ऊपर है, और इम्पोर्ट करना कोई मैटर नहीं है। मैं ये मानता हूँ कि फीमेल्स का रोल ज़्यादा होता है इसमें, ठीक है। कंपेयर टू मेल 60% फीमेल स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। अच्छा यार आप ये बताइए ना, जब अच्छी चीज़ तैयार करनी है तो फैक्ट्री तो अच्छी होनी चाहिए, उसकी प्रोड्यूसिंग उसकी होगी। सही बात है। अब अगर मान लीजिए नॉर्मल फीमेल यूज़ करके आप इम्पोर्ट कर देते हैं यार, उसका वो तो सिर्फ बेचना हो गया। नाम लगा दिया कि हाँ भाई के इतने का बेचना है हाँ उसका बेचना नाम है, ले ठीक लेकर के वो बेच देते हैं, है लेकिन रियल के अंदर ब्रीडिंग वो होती है जो 60% फीमेल स्ट्रांग होनी चाहिए। ठीक है। मेल तो 40% रोल है, अच्छा अगर फीमेल अच्छी होगी तो प्रोड्यूस अच्छा होगा, तो ये ये चीज। बातें हैं, मतलब कि कई बार ऐसे होता है ना कि मार्केट के अंदर ये सीन चल रहा है कि भाई ये इंपोर्ट का बच्चा है तो ये 50,000 से ऊपर ही बिकेगा सारे, है ना। शो हाँ क्वालिटी तो भी भाई, यही हो तो नहीं होता है, 10 बच्चे हो 10 के 10 शो क्वालिटी नहीं नहीं हो। ऐसा कुछ नहीं है। शो क्वालिटी क्या होता है भैया, कोई भी चीज़ है, सोना है, हाँ उसको जी तराशना पड़ेगा। ठीक है। जब जब वो तभी बढ़िया जना नेकलेस बनेगा। अब अगर आप ये लगाओ, कहते हैं कितना ही बढ़िया बच्चा लिया हो, आप उसको एक कॉर्नर में आकर चेन से बांध दोगी, वो शो थोड़ा ना होगा। सही बात है। उसको डाइट अच्छी नहीं दोगी, उसकी केयर अच्छी नहीं करोगी, तो कहाँ से इतना शो क्वालिटी हो जाएगा। मतलब ये बात हुई कि आप जैसे कहीं ऐसे कहते थे कि मतलब कि आप किसी भी बंदे से आप फोन करोगे, यूट्यूब पे आजकल हाँ बहुत जी वीडियोस हैं, ठीक बिल्कुल। है, उनके नीचे नंबर भी है कि भाई इसका ये वीडियो है इससे ले ले बच्चे, और जिसके पास आप फोन करोगे वो 40,000 50,000 60,000 से नीचे बात ही नहीं करता। और वो क्यों कहते हैं कि हमारे शो क्वालिटी के बच्चे डॉग हैं, हाँ तो जी इसके बच्चे सारे शो क्वालिटी के। तो इसका मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर 10 बच्चे हुए तो 10 के 10 तो शो क्वालिटी नहीं होते होंगे बिल्कुल, ना, ऐसा नहीं होगा ना। ऐसा नहीं होता भैया। तो एक दो बात और भी आया कि जैसे अब कोई नया बच्चा लेके आया है, हाँ मैं जी मेरे से एग्जांपल लेता हूँ कि ठीक जो है। मेरे चैनल देखते हैं उनको पता है मेरे पास डॉग है एक, वो हाँ 3 महीने जी का है, तो उसको अपने एक आइडियल डाइट क्या देनी चाहिए। कार्निवोर्स एनिमल होते हैं डॉग्स, मतलब जो होते हैं मांसाहारी। अब हम ऐसे हो गए कि शौक तो हमने रख लिया कि हम कुत्ते तो पालेंगे, पर हम भाई पुगा नहीं सकते उसकी ये बात कि भाई तो इसको कार्निवोर डाइट दो। तो ज्यादातर लोग यही करते हैं कि भाई अभी इसको वेज में ले जाते हैं कि यही खुआओ, तो इसमें दिक्कत तो नहीं है, कह नहीं सकते दिक्कत है, पर अच्छे खाना वो ही होगा कि जो इसका नेचुरल डाइट है। नेचुरल बिल्कुल डाइट में यही हो गया जो इसकी मीट वगैरह हो गया, एग्ज हो गई, यही हो गया इसकी नेचुरल हाँ डाइट। बिल्कुल, पनीर हो गया, मीट हो गया, अंडा दे दो साथ में, जाना कहते जैसे पेट हमारे पेठा हो हाँ गया, पंपकिन वगैरह हाँ हो ये गया, चीज होगी। जो जैसे कार्बोहाइड्रेट में थोड़ा बहुत चावल यूज कर दो उसके अंदर। ठीक है ठीक है। हाँ अच्छा भैया एक क्वेश्चन कि अपने जो बदनाम कहते हैं अपनी ब्रीड को, ये जो आप रखते हैं अपन जो रोटवाइलर हमने रख रखी है, ये ब्रीड बदनाम करी हुई है किस बात पे कि भाई ये भैया तो रोटवाइलर है तो काटे ही काटेगा, तो इस चीज का क्या है कि मतलब भाई कि ये चीज मैंने बहुत देखी है। हम जैसे कहीं बैठे शो में जा रहे हैं, साइड में डॉग बैठा है, बच्चे आएंगे कहते हैं हम फोटो खिंचवा लें, साथ हाथ हाथ लगा के फोटो खिंचवाएंगे, सब कुछ है, यूं लगा के फोटो खिंचवा जाएंगे। जब उनकी मदर पूछती है कहते विच ब्रीड, जब हम बताएं रोटविलर, रोटविलर सुनते ही उनको ना ऐसा लगता है जैसे पता नहीं क्या हुआ, बेटा इधर आओ, दिस इज रॉटविलर, अच्छा मतलब रॉटविलर ना हो गया जैसे ना कहते एकदम से तोप चल गई। अच्छा सिर्फ नाम ही बदनाम कर रखा है। रियल में आज मेरे पास ना 18 डॉग हैं। ठीक है। आप किसी के को भी खाना देते टाइम कैसे भी आप घुमाइए फिराइए कैसे कीजिए, कोई आकर्षण नहीं। मोस्टली क्या करते हैं, परिवार में रखते हैं, वो ऐसे गार्ड यूज करते हैं ठीक कि है यहाँ पे जब कोई भी एक कॉर्नर बांध देना उनको और वहीं पर उसको खाना देना, वो एक ही आदमी देता है, अदर आदमी फैमिली होने नहीं देते, तो एग्रेशन है। अब नॉर्मल सी बात है, एक छोटा बच्चा है जो थप्पड़ मारता है उसका तो बड़ा प्यार से लगता है, सही बात और एक है, बॉक्सर जब मारेगा तो लगेगा जी तो वो तो जब यार लगेगा। जबड़ा ही अब तोड़ रहा रोटविल, अब होगा। नॉर्मल सी बात है, रोटविलर है तो एक बॉक्सर ही है, बॉक्सर बॉक्सिंग वाला काम है, कहते हेड है तो उसके हिसाब से पावर भी है। सही बात है जी, वही बात होगी, पावर ज्यादा है। हाँ जी और एक और बात, मेरे दोस्त है एक, हाँ जी पहली बात तो मैं भी रोटवाइलर ओनर हूँ, मेरा डॉग है, उसको आप वीडियोस में भी देखते हो, कोई भी आ जाता है तो मैंने उसको सोशल कर रखा है, वो कोई कुछ नहीं करता, वही बात है कि भाई रोटवाइलर है ये तो काटेगा, हाँ जी ये काम कर रखे है, लोग तो कहते ही हुए, पर ऐसा कुछ भी नहीं है, वो तो मैं भी खुद रख रहा हूँ। अच्छा अब बात करते हैं कि एक ये जो इनकी चेस्ट मसल वगैरह कैसे बिल्डअप करें डॉग्स की, बढ़िया बॉडी पोस्चर वगैरह, और जो ये मेन है वर्कआउट, इसको जितना उसके जैसे
जॉगिंग हो गया, स्विमिंग होगी, ये दो। अब अच्छे, और दूसरा क्या है, डाइट। ठीक है, डाइट जब हमारे प्रोटीन ज़्यादा ज़्यादा रहेगा तो अपना भी मसल, मतलब एक्सरसाइज में इसके वर्कआउट में सिर्फ जॉगिंग वगैरह और स्विमिंग ये इनफ है इसे। हाँ जी, और तो कुछ मतलब ना, बस इतना बहुत है, मतलब इससे बढ़िया अपना पोस्चर वगैरह लोग बढ़िया बिल्डअप हो जाए। ठीक है, और एक क्वेश्चन की भैया कि कई सारे जो लोग हैं जो मेट्रो सिटीज में रहते हैं बड़े शहरों में, उनके पास कच्चा नहीं है, बोलते हैं कि कच्चा पे रखना चाहिए डॉग को, उनके पास ऐसे नहीं है कि भाई वो कच्चा वगैरह मिट्टी वगैरह नहीं है, तो वो उनके पास फ्लैट्स हैं, तो वो कैसे वो इस डॉग को रख सकते हैं? रख सकते हैं कभी भी ना, कोई ऐसी जो कई लोग देखे कहते हैं फांडा हो जाता है, फांडा कभी भी, फांडा मींस पैजो खराब हो जाता है, बैंड हो जाते हैं लेग बैंड, वो ऐसा कुछ नहीं होता। अब हम वो कमी होती है उनकी डाइट की, अच्छा न्यूट्रिशन की कमी आती है। ठीक है, अब चलो ये इनके बारे में, अब देसी देसी क्या फांडे नहीं होते, होते वो तो हमेशा ही गली में कच्चे में रहना है, वो उनकी डाइट की कमी होती है या जेनेटिक कहीं ना कहीं फॉल्ट होता है तब आती है चीज़ें। अच्छा, ऐसा नहीं है कि हाँ भाई आप अगर पक्के में रख रहे हैं, अब मेरे भी तो पक्के पे रह रहे हैं सभी, ठीक है नीचे टाइल्स वो है सब कुछ है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, कैनल में तो टाइल्स लगवानी पड़ती है, नहीं अगर इनका जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है उसको साफ भी करना पड़ेगा, नहीं तो वहाँ पे तो बदबू ही बहुत हो जाएगी, ये तो जरूरी है, उस बीमारियां कितनी आ जाती हैं फिर। ठीक, ये बात है, मतलब कई कहते हैं ये, जब भी मैंने क्वेश्चन पूछा आपसे। अच्छा, एक और बात कि जो व्हाइट मार्क आ जाता है रोटवाइलर्स पे, हाँ जी, तो इससे यूं होता है ये अनप्योर ब्रीड है ना? ऐसा कुछ नहीं है भैया, क्या होता है आ जाता है जो कुछ शिकाल आ जाता है, मोस्टली तो 2 महीने के अंदर ही, वो 2 से 2.5 महीने में जो नया कोट आएगा वो साफ हो जाता है। अच्छा, और जो जितना भी होगा अगर हाँ बहुत ज़्यादा पैचेस हो पैर वगैरह पे, वो चीज़ गलत है। अच्छा, उसको हम कह सकते हैं, लेकिन जो चेस्ट पे थोड़ी बहुत बाल वाइट आ गए, हाँ जी, वो कॉस्मेटिक फॉल्ट है, नॉट ए ब्रीडिंग फॉल्ट। ठीक है, तो मतलब वो अनप्योर ब्रीड वगैरह ऐसा कुछ सीन नहीं है कि ना, ऐसा नहीं है। कई होते हैं जिनको नॉलेज नहीं है, आज भी मैं यही बात कर रहा हूँ, जिनको नॉलेज नहीं है वो कह देते हैं कि भाई ये अनप्योर है, कि भाई इसके व्हाइट मार्क है छाती पे, तो ये अनप्योर है। एक बात बताओ, अगला जना कि मैं तो कह के अगला अपना बताएगा कि मैंने एक्सपीरियंस है, कहीं तो कमी निकालेगा उस चीज में। ये बात भी है, बाकी अब ये बताओ, कहते अगर वो सारी चीज में कमी नहीं निकालेगा तो उसका माल कौन लेगा? अपनी वो भी इज्जत कराएगा भाई, कुछ तो कहूंगा, कमी तो काटूं मैं घूमेंगे। और ये हमेशा ही होता है, जिसको एक्सपीरियंस कम होगा ना वो उतना ही ज्यादा मिसगाइड करता है। ठीक है, प्लस में वो अपने आप को प्रूव करने की कोशिश करता है कि हाँ भी मेरे को पता है। अच्छा अच्छा, चलो आखिरी एक और क्वेश्चन बस, अपना एक्सपीरियंस कितना, ये पहले क्वेश्चन पूछना चाहिए था पर मैं लास्ट में पूछ रहा हूँ, एक्सपीरियंस कितना हो गया आपको? भैया मेरे को इस फील्ड में 12 साल हो गए। ठीक है, 12 साल हो गया आपको, तो मतलब अच्छा एक्सपीरियंस है आपको, हमारी तो आधी उम्र से भी ज्यादा ही हो गया आपको। तो ये देखो, ये दोनों रोटवाइलर अभी फीमेल निकाली हमने, क्वालिटी देख सकते हो आप कितनी बढ़िया क्वालिटी है। तो इसका नाम क्या है? इना। इसका नाम इना है और इसका इवा नाम है इसका। तो इनका हेड साइज देख सकते हो आप दोनों, और जो कह रहे थे कि डॉग एग्रेसिव होते हैं, अभी आज पहली बार मिला हूं मैं इसे, और मेरे हाथ में इसकी लीश है। और ये देखो, ये बॉल लेने के लिए कह रही है, और कुछ नहीं कर रही है एग्रेसिव। अगर एग्रेसिव होती तो ये सबसे पहले मेरे को अटैक करती, क्योंकि ये पहली बार इसको पकड़ा है। और ये देखो इनका हेड साइज, इनका पोस्चर आप देख सकते हो इनका। एक अब अगली वीडियो में आप कुछ खास दिखाएंगे अपने डॉग्स वगैरह में भी? आज अगले उसमें ना आपको ना जो अगले पपीज हो रहे हैं जैसे लैब्राडोर रॉटवीलर के, अच्छा, वो दिखाऊंगा मैं आपको। अभी तो बच्चे जहाँ आज जो है आज 2 दिन के हैं, तो अभी तो नहीं दिखा पाएंगे, लेकिन कम से कम 1 मंथ का पपी होगा उस टाइम आपको दिखाऊंगा उस चीज में। तो चलो अगली वीडियो में हम आपके जो बच्चे हुए हैं अभी डॉग्स के भैया के पास, वो दिखाएंगे।